सब्सक्राइब कीजिए राकेश आचार्य चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ट्रैवल संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट चांगी एयरपोर्ट इन सिंगापुर। जी हाँ, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और मैं फ़िलहाल हूँ टर्मिनल 2 पे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ट्रैवलर राकेश आचार्य। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर के लिए प्रमुख नागरिक हवाई अड्डा है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा परिवहन केंद्र है। आप सभी यात्रीगणों का चांगी एयरपोर्ट में हार्दिक स्वागत है। एयरपोर्ट में अंदर आते ही डिपार्चर एरिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैं मुंबई से सिंगापुर एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट द्वारा आया था, जिसने मुझे इसी टर्मिनल पर उतारा था और रिटर्न में भी सेम एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट टर्मिनल नंबर 2 से ही। 2013 से लगातार 6 वर्षों से इसे स्काईट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो यातायात में भी यह दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। दिस इज ऑपरेटेड बाई चांगी एयरपोर्ट ग्रुप एंड इट इज़ द होम बेस ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस कार्गो, सिल्क एयर, स्कॉट, जेटस्टार एशिया एयरवेज एंड BOC एविएशन। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन से पहले एक मुझे इंडियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट दिखी जिसका नाम है चटनी मेरी। उसका मेनू कुछ इस प्रकार से है और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है। फिलहाल हम है डिपार्चर फ्लोर के नीचे के फ्लोर पर अराइवल एरिया में। एयरपोर्ट से सिटी में पहुंचने के लिए आप टैक्सी या ग्रैब, बस और ट्रेन यानी मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो को यहाँ पे MRT के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है मास रैपिड ट्रांजिट। आप कुछ भी जानकारी के लिए और वाईफाई के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क की सहायता ले सकते हैं। फिलहाल हम है अराइवल फ्लोर के नीचे के फ्लोर पे, जहाँ पे एक सुपरमार्केट है। तो आइए चलते हैं सुपरमार्केट के अंदर। और ये लीजिए, हम वापस आ गए डिपार्चर फ्लोर पे। पासपोर्ट और टिकट दिखा के लेंगे बोर्डिंग पास। बोर्ड पे लिखा है डिपार्चर समय से 60 मिनट पहले चेक इन बंद हो जाएगा और 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट्स बंद हो जाएंगे। फिलहाल हम इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक फिनिश करके पहुंच गए हैं ड्यूटी फ्री सेक्शन में। सिंगापुर में टोटल 4 एयरपोर्ट टर्मिनल है, T1, T2, T3 और T4। T1, T2 और T3 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री स्काई ट्रेन चलती है और T2 और T4 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री शटल बस चलती है। और ये देखिए एयरपोर्ट पे गार्डन। ये है एयरपोर्ट लॉन्च, जिसका एक्सेस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले प्रायोरिटी पास से कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री सेक्शन पे मुझे दिखी कावेरी इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो आइए चलते हैं अंदर। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest.
कुछ रेस्टोरेंट में सेल्फ ऑर्डर कियोस्क लगे हुए थे। सेल्फ ऑर्डर, पे एंड कलेक्ट, सेल्फ ऑर्डर कियोस्क आपकी स्क्रीन पे है। और ये लीजिए, आपकी सेवा में हाजिर है बिजनेस सेंटर। अगर आप सिंगापुर एयरपोर्ट पर ट्रांजिट में 5.5 घंटे से ज़्यादा हो तो फ्री सिंगापुर टूर का लाभ ले सकते हो। दिन में 5 बार हेरिटेज टूर और 2 बार सिटी साइट सीइंग के लिए बस चलती है। और ये लीजिए, हाजिर है आपकी थकावट मिटाने के लिए फ्री मसाज। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक खाइए, पीजिए, घूमिए फिरिए और जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आओ जो, गुड बाय। सब्सक्राइब राकेश आचार्य चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू सी लेटेस्ट वीडियोज़।